न्यूज ब्रेक के बाद दोबारा से हम वापस आ चुके हैं और अब मुझे आपकी मुलाकात करवानी है एक और रोशन चमकते दमकते सितारे से। मेरे साथ मौजूद है कश्यप अली। ब्रेक से पहले एक कश्यप अली से हमने आपकी मुलाकात करवाई जो कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्टूडेंट थी, प्री मेडिकल में पहली पोजीशन हासिल की। कश्यप सनाउल्ला के बाद मेरे साथ मौजूद है जी कश्यप अली। क्या हाल है कश्यप आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है, कश्यप अली के साथ जी इनके पेरेंट्स भी हमारे सेट पे मौजूद हैं, सलमा काजमी साहिबा हैं जी इनकी मदर जो कि आज मौजूद हैं हमारे साथ, और इनके साथ साथ उनके वालिद साहब हैं जी अली सकलैन काजमी। आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा कश्यप, आपसे आगाज करूंगी कि आपने थर्ड पोजीशन हासिल की है, कैसा लगा जब पता चला कि कश्यप अली की पोजीशन आ गई है? मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, मतलब मुझे लगता ही नहीं था कि आएगी और एकदम ही सरप्राइज मिला मुझे, और न्यूज़ से ही मुझे पता चला था। अच्छा, न्यूज से पता चला था, यानी आपको बिल्कुल नहीं पता था कि आपकी पोजीशन आएगी? नहीं, इतना नहीं पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था, लेकिन बाकी बच्चे भी बहुत ज्यादा मतलब लाइक थे जी। अच्छा, वो सुपर कैंपस के सारे सुपर स्टूडेंट थे आप लोग? बहुत ज्यादा थे, बल्कि 20 स्टूडेंट थे जो हमारे मेरे से ऊपर थे। अच्छा, लेकिन ऐसा भी होता है जब आपने बिल्कुल सोचा ना हो और ऐसी खुशखबरी मिले, फिर तो बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि क्या करो। आपने क्या किया था? मैं रोने लग पड़ी थी खुशी के आंसू जी। अच्छा, कश्यप की मदर भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। सलमा साहब, आपने बताया कि कश्यप ने जो है वो खुशी के आंसू आ गए थे, आपका क्या रहते हैं? बस मैं इसको देख के शौक में आ गई कि पता नहीं इसको क्या हुआ, मैं तो एकदम शौक में कि बेटे क्या, वो कुछ नहीं होता। लेकिन वो जब इसकी न्यूज मामा गौर से देखे, तो मैंने गौर से देखा तो मैंने कहा शुक्र अल्लाह का, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने इतनी इज्जत दी, इतना नवाजा उसने। अच्छा सकलैन साहब, आपकी जानी पाऊंगी, आपको किसने इत्तला दी और आपका क्या रद्दअमल था पहला? मुझे, मैं बाय चांस ही घर आया था और आगे देखा तो ये सारे बहुत खुश थे, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। आपको बहुत खुशी हुई? चाहते थे बच्चों को के बहुत पढ़े पोजीशन आए? हाँ जी बिल्कुल, बल्कि इसके हर टाइम मेरे साथ नमाज में मामा जी मेरे लिए जरूर दुआ करनी है, हर टाइम इसकी मेरे साथ एक ही बात होती, मामा मेरे लिए सबसे पहले आपने दुआ करनी है कि मैं कामयाब हो जाऊँ, और शुक्र अल्लाह का उसने हमारी माएं की माओं की दुआएं तो हमेशा बच्चों के लिए होते हैं। कश्यप, बस पढ़ाई 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 की या फिर साथ में कुछ और भी किया? नहीं, पढ़ाई की। पढ़ाई की? और कोई शौक नहीं रखा साथ में? नहीं, फ्री टाइम में मामा पापा के साथ ही। और किस तरह जो है वो आपने इतनी तैयारी की कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आ गए, उसके बाद फ्रेंड्स का क्या रद्दअमल था? फ्रेंड्स भी बहुत खुश थी, वो मुझसे ज़्यादा खुश थी और उनको देख के मुझे खुश हुई थी। और फिर कितने दिन तक ऐसा होता है ना कि आप गैर यकीनी कैफियत होती है कि आपको यकीन ही नहीं आता कि मेरी पोजीशन आ गई है? जी ऐसा ही हुआ था, काफ़ी दिनों तक रहा था। अब नॉर्मल हो गए? जी नॉर्मल, अब नॉर्मल हो गए और पता चल गया। अच्छा आपकी तरफ आऊंगी, जो मौजूदा दौर चल रहा है बच्चों को पढ़ाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया, तो ऐसे में जब बच्चे पोजीशन हासिल करें फिर कैसा लगता है? तो यही है कि बंदा हवाओं में उड़ता है कि शुक्र अल्लाह का उसने इतना करम किया कि इस काबिल नहीं थे, तो अब ये पूरी कोशिश है कि मैं बाकी खराजात सारे काम करके तो इसको अफोर्ड करूँ, कि जो भी इसके चाहिए होता है मैं इसको सबसे पहले कहती हूँ, कि बाकी मेरी ज़रूरियात पसे पूछता है, क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजम है इतना नहीं है, तनख्वाह पे एक नॉर्मल बंदा क्या कर सकता है। लेकिन मेरी कोशिश अब यही है कि मेरी बच्ची जो है ना हर तरह से इसको जो इसकी ज़रूरत है इसकी स्टडी के मामले में उसको पूरा करूँ, सपोर्ट किया जाए ज़्यादा सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए मैंने गवर्नमेंट से अपील की है कि हम नॉर्मल घराने से हैं तो हमारे साथ जो वो तावन किया जाए बच्ची की स्टडी के मामले में। अच्छा सकलैन साहब, आपकी तरफ आऊँगी कि सपोर्ट कितनी ज़्यादा बच्चों को देते थे कि आपने पढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे जाना? सपोर्ट जितना भी होता था इसके लिए करते थे, और यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको वालदैन कहते हैं पढ़ो, ठीक है ना, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको कहते हैं कि बस करो कितना पढ़ना है, ये बच्चे उनमें से हैं। अच्छा, ये बच्चे उनमें से हैं कि वालदैन कहते हैं बस करो, बस करो, कुछ खा लो, कुछ कर लो, कुछ रेस्ट कर लो, हमें ये से कहना पड़ता है बार बार, बेटे अब खा लो, अब कुछ, अब रेस्ट कर लो, इतना भी नहीं। तो शुक्र अल्लाह का ये हमारा एक गॉड गिफ्ट है, माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, बहुत मेहनत करते हो। अच्छा कश्यप, जो आपके एक बहन और एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है, वो भी सारे जो है वो पोजीशन होल्डर्स, अच्छे पढ़ाकू लायक बच्चे हैं या फिर आप उनके लिए मिसाल बन गई हैं?
मिसाल बन गई। वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, मेरी सिस्टर भी बहुत इंटेलिजेंट है। तो अच्छा, इंटेलिजेंट होना और बात है, लेकिन जब एक बच्चे की पोजीशन आ जाती है तो फिर वालदेन जो है वो तमाम बच्चों से चाहते हैं कि अब सबकी पोजीशन, सबकी पोजीशन। बिल्कुल ऐसी हमारी तो यही दुआ है कि सारे बच्चे इसी तरह लायक हों, बल्कि सबके बच्चे हों। हमारा मुल्क जो है वो उसमें उसका हर बच्चा जो है ना वो आगे बढ़े और लायक हो। मैं तो जब भी जायनमाज पढ़ती हूँ तो मैं अपने मुल्क के लिए दुआ करती हूँ, मौला इस मुल्क का हर बच्चा इस तरह कामयाब हो, हर एक के बच्चों को अल्लाह में से फरमा बरदार करे और हदायत भी दे और कामयाब भी। बिल्कुल जी, फरमा बरदारी हिदायत बहुत ज़रूरी है। कश्यप, दोस्तों की तरफ से बहुत रिस्पॉन्स मिला, सब लोग बहुत खुश हुए। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्यों डॉक्टर बनना चाहती हूँ? क्योंकि एक तो सबसे पहले कि मेरी मेरे मामा पापा की ख्वाहिश थी, सेकंड इससे नोबल प्रोफेशन मुझे नज़र नहीं आया। अच्छा, इससे नोबल प्रोफेशन जो है वो आपकी नज़र में कोई नहीं है? मतलब अच्छा, ह्यूमैनिटी को सर्व करना, ये गर्ल्स के लिए खास तौर पे यही बेस्ट है। लेकिन आजकल तो आपके घर में भी जरूर बात होती होगी कि डॉक्टर्स जो हैं वो सर्व करने की बजाय ज्यादा ये है कि अर्निंग की जाए। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने इस हवाले से ही हमें बहुत ज्यादा गाइड किया कि आपने ऐसे नहीं करना, आपने सिर्फ अपने कंट्री को सर्व करना है और कोई एम नहीं है, बस कंट्री को सर्व करना। चलो, अच्छा जी, कंट्री और आगे भी है इरादा कि इससे मजीद पढ़ना है और ये थर्ड से जो है वो सेकंड वन पोजीशन पे इंशाल्लाह आगे आओगे जी। अच्छा, आपकी जानिब आऊंगी, गवर्नमेंट की जानिब से कोई सपोर्ट मिली, कोई बच्चों से मिलने के लिए आया कि कश्यप से मिला जाए, कश्यप ने पोजीशन हासिल की? दुनिया चैनल की शुक्रगुजार हूँ मियां अमर साहब की कि उन्होंने हमें बहुत इज्जत अफजाई दी, हमें इतना सपोर्ट भी किया कि मेरी बच्ची जो वो इस काबिल हुई कि वो आपके चैनल लाहौर में उस, बिल्कुल जी, हमेशा शाइनी स्टूडेंट्स के साथ है। जहाँ भी इनकरेजमेंट की जरूरत पेश आएगी वहाँ पर लाहौर न्यूज हमेशा पेश नजर आएगा, क्योंकि ये बच्चे मुस्तकबिल हैं हमारा, हमारी कौम का। गवर्नमेंट की जानिब से सपोर्ट नहीं मिली, इनकरेजमेंट नहीं मिली? नहीं मिली अभी तक, नहीं। अच्छा, क्या चाहती क्या है? ये है कि हम नॉर्मल घराने से हैं और ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसके अब वो मेडिकल में है। अब मेडिकल के अखराजात तो बहुत ज़्यादा होते हैं और आए दिन हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मैं इधर क्या कहूँ चैनल में, तो इसलिए अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी तो हम ज़रा रिलैक्स होकर बाकी बच्चों को भी वैसे हम स्टडी उनके करवा। अच्छा, सकलेन साहब, सलमा साहब ने बात की है कि बहुत मुश्किल हो गया है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चों को तालीम दिलाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देख रहे हैं कि जब मेडिकल में आप जाते हो फीसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, बेशक आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाएं बच्चों को, लेकिन बाकी के जो अखराजात हैं वही कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। मसला ये होता है ना कि गवर्नमेंट जो है ना वो यानी कि 34-35 हज़ार तनख्वाह, ठीक है ना, अब ये हो गई है मेडिकल में ना फातिमा जनाब में इसको मतलब मिल गया दाखिला, तो जाहिर है कि जब फीस जमा करानी पड़ती है 40 हज़ार, वो जो हमारा एक माह का जो बजट है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है। अच्छा जी, इससे पहले हमारे साथ जो कश्यप सनाउल्ला थी उनके जो वालिद साहब थे उन्होंने भी ये शिकायत की थी गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट की जानिब से उनके बच्चों को जो है वो बिल्कुल भी हौसला अफजाई नहीं मिली, कोई मिलने के लिए नहीं आया। और कश्यप अहमद अली मेरे साथ मौजूद हैं और कश्यप अली की जो वालदा हैं वालिद हैं उनकी जानिब से भी गवर्नमेंट से यही शिकवा किया गया है कि बच्चों को इनकरेजमेंट नहीं मिल रही। कश्यप, अम्मा के साथ बाहर आना जाना होता है तो फिर लोग पूछते हैं कि ये भी आपकी तीसरी बेटी है? ऐसे ही होता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी बेटी है। और आजकल तो खास तौर पे जब इसका स्टेटस चल रहा होता है तो फोन आ रहे होते हैं बार बार कि बहुत खुशी हुई, और मुझे इतनी खुशी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब मैं बीमार होती तो मेरी बीमारी आदि ख़त्म हो जाती है कि मेरी बेटी इस काबिल है कि उसने मुझे इतनी इज्जत दी है अल्लाह ताला। अच्छा, ये जो एक इज्जत वाला आपका स्टेटस बन गया है कि कश्यप ने पोजीशन हासिल की है, आगे ज़िंदगी में इसको मैनेज करने के लिए मेहनत जारी रहेगी इंशाल्लाह कि अब तो जो है वो ज़रूर पोजीशन लेनी है इंशाल्लाह। अब ज़्यादा है कि इससे भी अच्छा लेना है, लाइक डॉक्टर है तो उस फील्ड में मैंने बहुत ऊपर जाना है इंशाल्लाह। अच्छा, स्पेशलाइजेशन क्या सोचती हैं अगर आपने मेडिकल चूज किया है, आगे स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में जाना चाहेंगे? हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहती हैं। अच्छा, बहुत कम लड़कियों के तो दिल ही छोटे से होते हैं और नहीं इंशाल्लाह।
अच्छा जी, दिल बड़ा हो जाएगा जी, अच्छा जितनी ये छोटी है इसका दिल माशाल्लाह बड़ा है, बड़ा है दिल, हाँ जी दिल ठीक हो गया। वैसे कहा जाता है ना कि लड़कियां जो है उनके दिल बहुत कमजोर होते हैं और हार्ट जो है एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फील्ड कहा जाता है। मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है कि ये बोल्ड है दिल का, यानी कि मामले सेंसिटिव है, लेकिन दिल के मामले में जहाँ पे ये करना चाहती है ये काम दिमाग की सुन लेती है। हाँ जी सुन लेती। अच्छा अच्छा सकलेन साहब आपकी तरफ आऊंगी कि बच्चे जो हैं वो शुरू से बच्चों के जहन में डाला था कि आपने डॉक्टर बनना है, या फिर होता है अक्सर कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को छोटे बचपन से ही 2-4 साल की उम्र से ही बताना शुरू कर देते हैं डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है, ऐसा था कुछ जी? बस इसी के मामले में। और बाकी दूसरी कहते मैं जर्नलिस्ट। अच्छा वो भी इसको देखे ना, वो काफी मतलब मेहनत कर, कहते मेहनत करूंगी मेडिकल का उसका नहीं, छोटी बेटी है ना जो, इसको देख के वो ज्यादा मेहनत कर रही है। अच्छा यानी एक घर में मिसाल आ गई है, मिसाल कायम कर दी है कश्यप, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। कश्यप कितना अच्छा लगता है जब दोस्त जो है वो आपको बताते हैं और बड़ा खुशी खुशी मिलते हैं, और दोस्त आगे जब अपने दोस्तों को बताते हैं जी कश्यप हमारी दोस्त है, कैसा रिस्पांस मिलता है? वैसे तो मतलब इतनी खुशी खुद को नहीं होती, लेकिन जब कोई दोस्त खुश होता है ना और या कोई दूसरा खुश होता है फिर असल खुशी वो होती है। पढ़ने के अलावा क्या करते हो, हॉबीज हैं कोई? हॉबीज नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं सिर्फ पढ़ाई, मामा पापा के साथ ही, मामा बाबा के साथ सामने बैठे हैं, लेकिन ये बताइए ज्यादा किससे मोहब्बत है, अटैच किससे हो ज्यादा? ज्यादा दोनों से, मामा। सियासी बयान है वैसे, आपके एक्सप्रेशंस बता रहे मामा के साथ है, मामा के साथ है। अच्छा मामा से हर बात हो जाती है, मामा दोस्त है जी, दोस्त। मैंने शुरू से अपने बच्चों को मैंने कहा कि आपकी माँ भी हूँ लेकिन मैं दोस्त ज्यादा हूँ, बजाय आप बाहर बात करो आप माँ के साथ शेयर करो, अब जैसा भी आपका कोई भी होगा मैं। और वैसे भी बेटियों की माएं दोस्त बन जाए तो फिर बहुत आसानी, क्योंकि मैं यानी कि गवर्नमेंट टीचर तो नहीं प्राइवेट थी, तो इसी फील्ड में थी, इसलिए ज्यादा गाइडलाइन इसमें मैं देती रही हूँ कि बच्चों को दोस्त बना के रखें तो ज्यादा बेस्ट होता है। और कुछ मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी तो उस लिहाज से भी मुझे ये है कि मेरे तो ये बच्चे जो सोच रहे होंगे वो भी आपको पता होता होगा कि बस कुछ कुछ कभी कभी हो जाता है तो मामा आपको कैसे पता चल गया मेरे बच्चे, एक तो मैं माँ हूँ छठी हिस्सा, दूसरा साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। अच्छा तो आपने टीचिंग भी की और साइकोलॉजी भी पढ़ी, क्या समझती हैं परवरिश में, बच्चों की परवरिश में ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं काम आए? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक तो सबसे पहले तो को अल्लाह का करम होना चाहिए, अल्लाह का करम के बगैर तो कुछ भी नहीं, फिर उसके बाद माँ का है। कश्यप फरमाइश क्या करते हो अम्मा से खाने की, खाने की पसंद क्या है बहुत ज़्यादा? मुझे कुछ खास नहीं है वैसे। ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, फरमाइश ही कुछ नहीं करता। वैसे क्या पसंद है, माओ को पता होता है क्या पसंद है, बहुत शौक से क्या खाती है? दही भल्ले। और दही भल्ले तो कश्यप मुझे भी बहुत पसंद है। चले एक मैसेज दीजिए जितनी भी जो लड़कियां हैं स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि आप स्कूल में हैं कॉलेज में हैं ठीक है, आपको मतलब आप बस ऑनेस्टली पढ़ें, और ये मैं इसके पेरेंट्स का ख्याल रखें कि वो आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, माँ बाप का ख्याल रखें कि वो कितना मेहनत करते हैं आपके लिए। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी वालदैन को? वालदैन को लिए यही है कि जैसा आप उनके लिए मॉडल बनेंगे बच्चा वही करेगा, जो आप सोचेंगे बच्चे के लिए वही सोच आएगी। ठीक हो गया जी, बच्चे जो माँ बाप करेंगे वही करेंगे, माँ बाप औलाद का अक्स भी होते हैं। और इसके साथ साथ शुक्रिया कश्यप अली आपका, आपके पेरेंट्स का, आपने वक्त निकाला। और अभी वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है प्रोग्राम का, इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर हमारी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए।